we saw two types. Is those two types clear? Yes. Yes. Qualitative analysis and quantitative analysis. When we talk about qualitative, see the in textbook it is given. Classical qualitative analysis methods include separations such as precipitation, extraction, and distillation. यहाँ पे हमने stop किया था. What is mean by precipitation? When two or more substances are mixed together or reacted together, what happens? A solid residue is formed and it sets at the bottom of the system, whether it is test tube or a beaker or whatever it is. समझ आया? Yes. Yes. Sir. हाँ बोलो. वो bulk क्या होता है? बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, बिग क्वांटिटी. यहाँ लिखा है ना, देखो, एनालिसिस इज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल सैंपल. सी, ऑन अ स्मॉल सैंपल ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड एंड नॉट ऑन द एंटायर बल्क. मतलब कैसा हो गया, देख, घर में आपने अगर राइस कुक किया है, अब उसको चेक करना है कि वो राइस कुक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप मैक्सिमम 4 या 5 ग्रेन लेके स्मैश करोगे ना. Yes. या पूरा राइस ही स्मैश करके देखोगे आप, वो सब पूरा राइस खिचड़ी खिचड़ी बना दी, बाद में बोलेंगे हाँ हाँ राइस पक गया. या फिर ऐसा, देखो, ऐसा हो सकता है कि आप मिठाई की दुकान पे गए और वहां पे आपने क्या किया, वहां से आपको पेड़ा लेना है या फिर काजू कतली लेना है या जो आपको पसंद है, बोलेंगे टेस्ट करने के लिए दिखाओ. अब वो पूरा डब्बा ही पूरा दुकान. हाँ, दैट मीन्स वी डोंट यूज बल्क बट यू यूज स्मॉल सैंपल. खत्म हो गया. चलिए आगे. प्रेसिपिटेशन इज क्लियर. नो व्हाट इज एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन में आपने मेटलर्जी पढ़ा था ना? यस सर. तो मेटलर्जी में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना और बॉक्साइट. ओके, सो दैट इज एक्सट्रैक्शन. And then distillation, it is very much familiar distillation process. Boil करते हैं और pure things जो है उसको हम obtain करते हैं. Separation में, यहाँ पे जो separation लिखा है, अगर आपको मैं दो, जैसे liquid में या water में अगर आपको मैं sugar dissolve करके देता हूँ, तो आप sugar को उससे कैसे separate करोगे? The process is distillation. कैसे हम उसको बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल हो जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे और बचेगा क्या, रेसिड्यू सॉल्ट, सुगर, सॉल्ट होगा या शुगर जो भी उसके अंदर मिक्स होगा होगा. अगर मैं आपको वाटर और अल्कोहल मिक्स करके देता हूं, ओके, वाटर एंड अल्कोहल, अब इसे कैसे आप सेपरेट करोगी, बिकॉज अल्कोहल इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. क्या आप इसको, कौन से प्रोसेस से आप इसको फिल्टर कर सकते हो, सेपरेट कैसे करोगे इसको? देयर इज अ प्रोसेस, बॉइल. अब जब बॉइल करोगे तो आपको अल्कोहल का नियर अराउंड मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री के आसपास है और वाटर का कितना है, 100 है. 100. तो जब, हाँ, व्हेन यू स्टार्ट बॉइलिंग दिस सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, at nearly 70 to 80 degree Celsius, the alcohol will start evaporating. And you will collect it in another beaker. Haan, but you will do it carefully because alcohol is what? Alcohol is flammable in nature. ठीक है? और फिर जैसे ही अल्कोहल पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर वाटर बॉइल होना स्टार्ट होगा, तो अपने को वाटर बॉइल ही क्यों करना है, बिकॉज अल्कोहल जब उसमें से निकल ही गया है तो वाटर तो रह गया, तो बस खत्म हो गया. सो दीज आर द मेथड्स, ये जब हम करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस. ओके, बट अभी हमने एनालिसिस किया नहीं है, अभी हमने सिर्फ सेपरेट किया है उसको. यस. सर आपका आवाज नहीं आ रहा.
ये सिर्फ 29 ही लाइव अटेंड है क्या? सर आपका माइक फ्रीज हो गया। स्क्रीन ही फ्रीज हो गई। आवाज नहीं आ रहा। सिर्फ 29 पार्टिसिपेंट्स ही है। यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो अल्कोहल है, अल्कोहल में इथेनॉल है कि मिथेनॉल है वो क्या है हमें कैसे पता चलेगा? टेस्ट व्हेन वी डू द एनालिसिस। ओके जब हम एनालिसिस करेंगे तब अपने को मालूम पड़ेगा कि वो क्या है। ओके यस। हाँ अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो आप जो प्रोसेस आप देख रहे हो तो वो प्रोसेस में आपके पास ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। तो जब आपने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया एंड यू गॉट टू नो आइडेंटिफिकेशन, एक बार क्या हो गया सेपरेशन हो गया, सेपरेशन के बाद क्या करना है आइडेंटिफिकेशन में भी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन कलर ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी जो कल मैंने आपको नोट्स में भी दिखाया था। देन एक बार क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया उसके बाद क्या देखना है क्लासिकल क्वांटिटेटिव मेथड्स कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कल हमने डिस्कस किया था ना। हेलो हेलो यस सर। यस क्वालिटी देखो क्वालिटेटिव में क्या है देयर इज सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव में क्या है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कैसे पता चलता है क्वांटिटी का दैट मींस आपके पास दो सब्सटेंस है एक है HCl और दूसरा है NaOH। अब HCl के साथ NaOH को अगर आप रिएक्ट करते हो सो टू न्यूट्रलाइज दिस मच अमाउंट ऑफ HCl हाउ मच अमाउंट ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड सो यू व्हाट डू यू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ HCl एंड NaOH। ओके सो दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और यहां पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है ग्रेविमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक वर्ड कहां से आया ग्रेविटी इसमें जो ये प्रेसिपिटेशन वगैरह है ना वो ग्रेविमेट्रिक में ही आता है। नाउ केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने देख लिया था यहाँ पे दो मेथड है एक है ड्राई मेथड। सी ड्राई मेथड क्या करते हैं उसमें सैंपल अंडर टेस्ट इज नॉट डिजॉल्व ड्राई देख के पता कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट है वेट मेथड। ऑब्वियसली वेट मेथड में क्या होगा इन विच द सैंपल अंडर टेस्ट इज फर्स्ट डिसॉल्व एंड देन एनालाइज टू डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन। गेटिंग द फैक्ट केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस टू स्टेजेस है। फर्स्ट इज ड्राई मेथड कुछ भी डिसॉल्व नहीं करना है ड्राई सैंपल रहेगा और वेट मेथड में यू हैव टू डिसॉल्व द सैंपल ओके इन टू द सॉल्वेंट and then analyze to determine its composition. The dry method is usually used as a preliminary test in the quantitative analysis. Means preliminary test मतलब क्या होता है जब आप कोई analysis करते हो so advanced analysis के पहले आपको एक just एक देखना पड़ता है ना कि इसके अंदर क्या हो सकता है इसको हम कौन सा process में लेके जाएंगे तो उसको पता करते हैं वो टेस्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी मतलब स्टार्टिंग पहला स्टार्ट का। द सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरिड आउट यूजिंग अपरेटस सच एज टेस्ट ट्यूब्स बीकर्स। टेस्ट ट्यूब देखा है आप लोगों ने बीकर देखा है आप लोगों ने यस इवेपोरेटिंग डिश देखा है नो यस No. Yes. Okay.
देखते yes. टीवी ऑफ करो, टीवी ऑन करके तुम तो लेक्चर में बैठे हो। ओके सी हियर, ये सेपरेशन का हो गया, ये पूरा टेस्ट बीकर, दिस इज कॉल्ड एवोपरेटिंग डिश। सॉल्यूशन एवोपरेट होता है इसमें। हाँ देखा है सर, देखा है। नाउ दिस इज सेंट्रीफ्यूज, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। ओके क्लियरली विजिबल है? यस यस यस। ओके इसमें इनसाइड दिस, सी यहाँ पे देखो, ये जो अंदर आपको दिखा रहे इधर, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब नहीं बोलते, उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर होता है आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर होता है प्रेसिपिटेट। लेकिन वो जो प्रेसिपिटेट है वो एक्चुअली कैसा होगा, वो पूरे सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ प्रेसिपिटेट चाहिए। तो क्या होगा, ये जो मशीन है ये राउंड जो है ये घूमते रहेगा, ये रोटेट करेगा, देखिए बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट होगा, तो सारा प्रेसिपिटेट रोटेट होते होते कहां डिपॉजिट होने लगेगा, कहां सेट होने लगेगा, एट द बॉटम, और वहां पे वो पूरा सेट हो जाएगा, और ऊपर जो है आपको सिर्फ बचेगा क्या, लिक्विड, और उसके बाद वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को आप निकालोगे, वो लिक्विड को आप साइड कर दो, और जो अंदर जो बचा हुआ है वो है आपका प्रेसिपिटेट, प्योर प्रेसिपिटेट। ओके सो प्रेसिपिटेट जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को यूज करते हैं, एंड आफ्टर दैट दिस इज कॉल्ड क्रूसिबल। क्रूसिबल आपने नहीं देखा होगा अभी तक, ये थोड़ा सा कप, हाँ थोड़ा सा कप कप जैसा रहता है ना, किससे बनता है, इट इज अ सेरामिक और मेटल कंटेनर इन विच मेटल्स और अदर सब्सटेंसेस में भी मेल्टेड और सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। इसमें भी सैंपल को जो है टेस्ट किया जाता है, कोई सपोज उसका एग्जैक्टली कंपोजिशन जो है अब कितना है, वो क्रूसिबल में उसको ओवन में डालते हैं, वह लैब में होता है, ओवन होता है प्रॉपर ओवन जैसा होना चाहिए, वैसा जो अपने घर पे रहता है वैसा नहीं, वो ओवन में क्रूसिबल डाल देते हैं, क्रूसिबल के अंदर सब्सटेंस होता है, और जैसे कि आपने क्या किया, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते जो अपने वेट टेस्टिंग की थी ना, हेलो यस यस यस, हाँ आपने जो आपने जो प्रेसिड, हाँ बोलो, इसमें सोना भी पिघलते ना, हाँ 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 हाँ, उनका थोड़ा सिस्टम अलग रहेगा, लेकिन हम अभी लैब की बात कर रहे हैं ना, तो जो प्रेसिपिटेट आपको मिला था वो सेंट्रीफ्यूज में, वो प्रेसिपिटेट पूरी तरह से ड्राई पाउडर तो होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो सॉल्वेंट है ना आपका, मिक्स है ना थोड़ा सा, तो आप क्या करते हो, प्रेसिपिटेट निकाल के क्रूसिबल में डाल के उसको फिर ओवन में रखते, धीरे 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 मॉइस्चर उसमें से निकल जाता है, और आपके पास फिर बचता है ड्राई पाउडर पूरा, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। तो दीज आर द सिस्टम्स जो हम यूज करके और उसके बाद अपना एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। सी यहाँ पे ये सारे लिखे थे वर्ड्स, बाकी बहुत सारी चीजें, स्पॉट प्लेट है, वॉच ग्लास है, वायर गेज है, वाटर बाथ पता है आपको, देखो वाटर बाथ कैसे आता है, क्या हुआ, कुछ नहीं, जैसे आपको मालूम है कि कोई चीज को बॉईल करना है, अब जैसे अल्कोहल है या फिर चॉकलेट पता है आपको, ऑब्वियसली पता होगा, yes. तो अब वो चॉकलेट को, हाँ वो चॉकलेट आपको मेल्ट करना है, तो आप अगर उसे किसी डिश में डाल के डायरेक्ट हीट पे रखोगे तो क्या होने वाला है,
ऑब्वियसली वो मेल्ट चॉकलेट मेल्ट होएगा। ना 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 वो मेल्ट तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा चांस जल है। जाएगा। हाँ जल जाएगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये वाटर है, एक बड़ा सा बीकर है उसके अंदर वाटर है पूरा भरा हुआ, उसके अंदर एक और बीकर है, उसके अंदर ये एक और बीकर है, और ये बीकर जो है इसके अंदर आपका सैंपल है या आपका सब्सटेंस है जिसको हमें हीट करना है। डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में उसको नहीं रख सकते थे इसलिए हमने क्या किया, उसको वाटर बाथ पे रखा है। ओके केमिस्ट्री में इसको जो है कौन से सब्सटेंस के लिए करेंगे, जो फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं ना, एल्कोहल जैसे। हाँ हीट से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, अ काइंड ऑफ वाटर बाथ। एंड देन व्हाट डू वी हैव, बर्नर, ब्लो पाइप, पेयर ऑफ टॉन्ग, सेंट्रीफ्यूज एटसेट्रा, आप सबको पता है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहां से आपको स्टडी करनी है, देखो द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ऑर्गेनिक मतलब क्या, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज अ मेजर एलिमेंट। ओके फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ये सब जो आप पढ़ रहे थे, ब्यूटेन, पेंटेन, टेंथ में सब आपने स्टडी किया है, उसको बोलते हैं मीथेन, 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 हाँ उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट अदर देन कार्बन, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो उसका जब एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो दे रिक्वायर या दे इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। So the majority of organic compounds are composed of a relatively small number of elements. The most important ones are, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ ये सब होते हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल अगर मैं लिखूं C2H5OH, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। ओके अगर मान लो आपको चाहिए इथेनामाइड, तो C2H5NH2, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है और साथ में नाइट्रोजन भी है। ओके है तो इसलिए वहां पे बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट्स भी होते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस। इट इज कंसर्न्ड विद डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। क्या ये सेंटेंस क्लियर है सर, रिपीट करो ना सर। ओके हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था, इट इज कंसर्न विद द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। कि अगर आपको मैं तो सैंपल देता हूं और वो सैंपल में मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे कल हम शुगर की बात कर रहे थे, तो शुगर को जब आप मेल्ट कर रहे हैं वो उसमें से इवेपोरेट होके कुछ निकला है, आपको नहीं पता वो क्या है, लेकिन कुछ तो इवेपोरेट हुआ है, आपने उसको कलेक्ट कर लिया, बाद में आपने उसकी टेस्टिंग की तो आपको कंफर्म हो गया कि ये वाटर है। अब वाटर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद रेसिड्यू, हाँ उसके बाद रेसिड्यू क्या बचा था, ब्लैक पाउडर, कार्बन, कार्बन। दैट मींस नाउ यू आर कंफर्म
that the compound sugar contains carbon, hydrogen and nitrogen. Oxygen. I am sorry, oxygen. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि now we know that this compound contains these elements. So इसीलिए यहाँ पे लिखा है elementary qualitative analysis is concerned with the detection of presence or absence element. of elements. Okay? इसको qualitative क्यों बोलेंगे? Because हमने यहाँ पे ये नहीं पता किया कि कितना एटम है कार्बन का, कितना एटम है ऑक्सीजन का और कितना एटम है हाइड्रोजन का. सो जब हम वो करेंगे तो हम एक्चुअली क्या पता कर रहे हैं? कंपोजिशन. और जब कंपोजिशन आप पता करोगे तो वो कौन सा एनालिसिस हो जाएगा? क्वांटिटेटिव. क्या कर रहे हो? क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव. हाँ, फिर से सुन लो, अच्छे से सुन लो. आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम यस्टरडे ऑल्सो. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिएक्टिविटी, जो भी आप देखते हो वो सब होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस. उसमें आप क्या करते हो? आप सिर्फ डिटेक्ट करते हो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स, बस. लेकिन उसका कॉम्पोजिशन अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, कॉम्पोजिशन डिटरमाइन कर रहे हो, इसका मतलब हो गया कि फिर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर. ठीक है? यस. नेक्स्ट में क्या लिखा था? कुछ पूछना है यहां तक आपको? सर वो आपने एग्जांपल्स दिया होगा, रिपीट हो रहा ना? विच एग्जांपल सर? वो कलर, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग. अरे वो सब लिखा है टेक्स्ट बुक में. यहाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. समवन इज आस्किंग, देन वी शुड हेल्प. यहाँ पे देखो, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी इसमें नहीं दिया था, बट आप उसको इंक्लूड कर सकते हो. अब आगे यहां क्या लिखा है देखो, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स टेस्ट सच एज, कौन कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा. The qualitative analysis of simple organic compounds involves detection and confirmation of cationic and anionic species. See, basic and acidic radical. अब इसको थोड़ा सा explain कर देता हूँ कि जब आप organic compound के identification में जाते हो तो सबसे पहले आप क्या identify करोगे या क्या detect करोगे कि functional group है या नहीं. जैसे alcohol है, alcohol है तो alcohol में functional group OH है. एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH है, एल्डिहाइड है तो फंक्शनल ग्रुप CHO है. ओके. एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है फंक्शनल ग्रुप? C double O H. कीटोन रहेगा तो C double O. That means C double O. CO. Others. आप समझ गए ना? पहले क्या डिटेक्ट करोगे? आप फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करोगे. ओके. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब बात की बात है. जब आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हो उसमें क्या डिटेक्ट करते हो? सो कंफर्म करते हो आप कैटियोनिक और या एन एनियोनिक स्पेशीज, दैट इज बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल. बताओ देखो, सोडियम क्लोराइड ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसमें सोडियम क्या है? सोडियम प्लस आयन है, क्योंकि उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये कैटायन हो गया. यस. क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है, एनोड, तो एनायन हो गया. एनायन. तो ये कैटायनिक और एनायनिक स्पेशीज हो गए. तो आपको ये डिटेक्ट करना पड़ता है और इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो
कि इसके अंदर कौन सा कैटियोनिक है कौन सा एनियोनिक है. नाउ केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एक तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हमने कल स्टार्ट किया था एंड नाउ वी हैव फिनिश्ड इट. कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो उसमें आपको क्या करना है, ड्राई मेथड, वेट मेथड, वेट मेथड में डिसॉल्व करके फिर एनालिसिस करेंगे. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, तो ये सारी चीजें आ जाती है किसके अंदर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में. देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स मेथड सच एज डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कि कितना परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल देखते मुझे शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ. CH12H22O11 ये आपका शुगर है, ठीक है, ये शुगर है. आपने इसको बर्न किया था सो यू गॉट कार्बन एंड यू गॉट यस 11H2O. हाँ, अब आप ये देखो, ये तो आपका हो गया क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस. Yes. और उसमें भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने ये नंबर नहीं देखने, सिर्फ कार्बन मालूम पड़ेगा और वाटर मालूम पड़ेगा बस. लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर मालूम पड़ेगा आपको अदर डिफरेंट स्टडीज से, और उसके बाद जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि 12 कार्बन है और 11 H2O है तब आपको क्वांटिटेटिव ये हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये पूरा शुगर मॉलिक्यूलर का आप मेरे को जरा ये बता दो, मॉलिक्यूलर मास बता दो कितना होगा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11 दैट मींस 12 इंटू कार्बन का कितना है 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11 342. अब ये 342 में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑफ करो वीडियोस. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पहले कार्बन बता दो तो एग्जैक्टली कार्बन कितना है 144. सो 144 ऑफ 342 इनटू 100. वी आर नॉट गोइंग टू गेट द नंबर हियर, जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सिमिलरली परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन देखोगे सो 22 अपॉन 342 कितना परसेंट हो गया. And for that of oxygen, we know that 176 upon 342 into 100. Is the understanding is clear? Yes, sir. Yes, sir. So, qualitative analysis, that means detection of presence or absence of elements. And quantitative element analysis may detection of percentage composition of elements. ठीक है, यस 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 सर. ये आपको ऐसे समझना, अब जब आप ये कंपोजिशन फाइंड कर रहे थे इसके अंदर क्या क्या मेथड से देखो, पहले तो आ गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नोन कंपाउंड इन द गिवन सैंपल एटसेट्रा. कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, डायल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना मोलारिटी है, कितना वो मोलार सोल्यूशन है. मोलारिटी आपने नाइन्थ में स्टडी किया था एक बार. यस यस हाँ, तो उसमें आपने देखा था फॉर एग्जांपल HCl है तो HCl है तो 1 मोलार है या 0.1 मोलार है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl उस वाटर में कितना है ये आपको पता करना है. तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन पता करते हो या परसेंटेज कंपोजिशन आप पता करते हो सो दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव एनालिसिस.
Now, quantitative analysis of simple inorganic compounds involves methods based on decomposition reaction, that is gravimetric analysis, and the progress of reaction between two solutions till its completion, that is stoichiometric or volumetric analysis. ये वाला पहले समझो, progress of reaction. कि जब हम कल आप देख रहे थे कि NaOH comes enters the system and it gets reacted with hydrogen chloride or hydrochloric acid. तो actually क्या हो रहा है? Reaction हो रहा है. लेकिन वो reaction complete कब होता है? You get the यहाँ जब HCl पूरा खत्म हो जाता है और extra NaOH जब enter होता है तो phenolphthalein के साथ वो combine होके pink color का एक complex form करता है. सर हाँ बोलो सर, स्क्रीन ये हुई है, गायब हो गई. नहीं सर, बराबर है. नहीं है सर, बराबर है. क्लियर है सर. क्लियर है सर. ओके ठीक है, एक बार नेटवर्क चेक कर लो. सी मैं वापस से शेयर कर दूंगा, देखो शायद आ जाए. तो हम लोग कल क्या करते हैं, उसको ब्रेक मिला भी बीच में, कंटिन्यू करते हैं वही टॉपिक पे कि NaOH रिएक्ट्स विद HCl to form sodium chloride and water. जब तक ये reaction complete नहीं होता है तब तक हमें हमारे system में phenolphthalein का pink color, मैं देखो ध्यान से समझना, phenolphthalein pink color का नहीं होता है, please इसको understand करना. phenolphthalein is colorless liquid, लेकिन जैसे ही वो NaOH के साथ combine होता है तो एक color complex बनता है जो कि pink color का होता है, and that is the indicator of completion of the reaction. तो यहाँ पे हम क्वांटिटी पता कर रहे हैं, इसलिए ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. लेकिन इसमें हम रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कि कितना वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं लिक्विड, तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी सच एज मास एंड वॉल्यूम. ओके, कि कितना मास यूज हुआ है या कितना वॉल्यूम यूज. जब लिक्विड और गैस की बात आएगी तो वॉल्यूम में बात करते हैं, और जब सॉलिड रहेगा तो उसका मास देखते हैं. मास. ओके, बाय मींस ऑफ सम इक्विपमेंट दैट इज वेइंग मशीन और ब्यूरेट. वेइंग मशीन में क्या करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए आपने क्या किया, एक रिएक्शन किया और उसको वो उसमें इवेपोरेटिंग डिश में डाल दिया. अब धीरे 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 उसके अंदर सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होगा और जो सॉल्यूड है वो रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा वहां पे. ठीक है, वो रेसिड्यू को आप वेइंग मशीन में ले जाके वे करोगे. जब आप उसको वे करोगे तो आपको उसका वेट मालूम पड़ेगा. या फिर अगर वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम पता कैसे करेंगे, ब्यूरेट से. क्योंकि NaOH किस में डाला था हमने, ब्यूरेट में डाला था, और ब्यूरेट से कितना ml NaOH अंदर गया है आपको वो मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो क्वालिटेटिव भी होगा, क्वालिटेटिव भी हो गया और क्वांटिटेटिव भी हो गया. गैस को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, वापस इसको गैस को वो वॉल्यूम से करेंगे ना, अब उसके लिए सिस्टम लेना पड़ेगा. देख देख अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, और इसको आपने हीट करने के लिए लगा दिया. अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको बंद करके बॉक्स से बंद कर दिया, और इसके अंदर आपने एक ट्यूब लगा दी. ये ट्यूब जो है आप डिपेंड करता हुआ गैस कैसा है, तो उसके बाद आपने इसको, अगर वो गैस लाइटर देन एयर है ठीक है, yes. तो, हाँ तो उसको कलेक्ट करने का मेथड अलग रहेगा, और अगर वो हैवियर देन एयर है तो उसको कलेक्ट करने का मेथड अलग रहेगा. तो ये एक आपने गैस जार ले लिया, गैस जार ये पूरा बंद है, आपने उसके अंदर वो ट्यूब लगा दिया है, और ये ग्रेजुअल है, यहाँ पे पता चलता है कि कितना ये इसका है. अब क्या किया आपने, यहाँ पे सपोज आपने कोई मिक्सचर ये बॉइल कर रहे थे, उसके अंदर से क्या गैस इवेपोरेट हो रहा है, और गैस थ्रू दिस पाइप, थ्रू दिस चैनल उधर जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, इसके अंदर वो गैस आपका कलेक्ट हो रहा है. तो आपको इस कंटेनर का वॉल्यूम मालूम है ना, इसका वॉल्यूम मालूम है, इसका वॉल्यूम कितना होगा उसके हिसाब से अंदर कितना गैस कलेक्ट हुआ है ये आपको मालूम पड़ जाएगा. ठीक है,
और अगर हाँ अगर वो गैस जो है वो लाइटर देन एयर है हाँ तो अलग रहेगा मैटर, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस क्या करेंगे इसका सेट, इसका जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा अलग रहेगा। देखो हाँ यस यस, ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऊपर निकलेगा वो। ऐसे हाँ इधर से उसका कंटेनर और ये गैस जार जो है उसको ऐसे रखें, ठीक है यस यस। और ये गैस एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सपोज एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस में हमने क्या किया है गैस इसमें से एवोपरेट हो रहा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है। हाँ अब ये क्या है अंदर HCl था, अंदर जो है HCl था, हमने क्या किया उसके अंदर सोडियम डाला, सोडियम डाला तो सोडियम रिएक्ट होके सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज, तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा वो कलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, हाइड्रोजन गैस लाइटर देन एयर होता है तो इसलिए हम उसको ऐसे कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर ये कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका ये गैस जार जो है उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें मालूम, सर उधर से हाइड्रोजन गैस जाएगा। हाँ यहाँ से ये जो पूरा चैनल आप देख रहे हो ना वो वहां से हाइड्रोजन गैस यहाँ तक आएगा और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगा और फिर इसका वॉल्यूम हमें मालूम है, तो कितना वॉल्यूम यानी कितना डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन हमारे पास आया है हमें मालूम पड़ जाएगा। समझ आया? तो सॉलिड, हाँ सॉलिड का भी, सॉलिड का भी डिटरमाइन कर सकते हैं मास, लिक्विड और गैस का डिटरमाइन करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक आपका खत्म होता है। इसके बाद जो है क्योंकि सिर्फ एनालिसिस जब हम करते हैं सो देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बिकॉज हो सकता, मैंने आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, देखो मैं वो वापस से शेयर करता हूँ क्योंकि बहुत पहले शेयर किया था मैं, जब मैं लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था दैट टाइम मुझे वो फ्लास्क में जो लिक्विड दिया था उसमें मुझे वाटर ऐड करना था, लेकिन मैंने वो वाटर कहाँ तक ऐड करना था, वो जो मार्किंग होती वहां तक, लेकिन वो मार्किंग के 1 मिलीमीटर ऊपर तक मैंने वाटर ऐड कर दिया था और मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट लास्ट तक राइट नहीं हो पाया, जबकि और नॉर्मल डेज में मेरी रीडिंग परफेक्ट आ रही थी, लेकिन जब एग्जाम का टाइम था वो प्रॉब्लम हो गया और मेरा पूरा रीडिंग, मेरा पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। सर आपको 0 मार्क्स मिला सर? नहीं रे वाटर निकाल, एक्सपेरिमेंट अगर रॉन्ग हो गया तो उन लोग दूसरा चांस देते हैं क्या? हाँ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देते, वो डिपेंड करता है आपका कैसा है, लेकिन नहीं मिला वो कैसा मालूम है, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है ना, अभी क्या था 12th के लेवल तक में उतना ज्यादा ये ध्यान नहीं देते, लेकिन कैसा है कि आगे डिग्री लेवल पे ना ये एक्सटर्नल एग्जामिनर रहते हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर रहेंगे तो, और वो एग्जामिनर मेरे पास ही आके खड़ा हो गया था, अब मैं वहां से कुछ कर भी नहीं सकता, तो फिर क्या हुआ। हाँ वो आपने बोला ना वाटर निकाल सकते थे, देख आपके पास ये सिस्टम है इसके अंदर ये सॉल्यूशन आपने उसमें ऐड किया वाटर, अच्छा वाटर की मार्किंग यहाँ तक है, ये मैं कलर दे देता हूँ इसको, वाटर की मार्किंग यहाँ तक है Red. और आपने वहां आपने वाटर ऐड कर दिया यहाँ तक, अब इतना एक्स्ट्रा आपने ऐड किया तो आपको क्या लगता है ऊपर का वाटर निकाल देंगे तो सब ओके हो जाएगा? नो, सर वापस आवाज गया आपका, सर आप म्यूट पे चले गए, स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। हेलो सर, हेलो सर, गायब हो गए। हेलो सर, हेलो सर, सर आप म्यूट पे चले गए सर, कहाँ पे चले गए?
आगे आगे आगे. हेलो. यस सर. यस बोल सर. यस बोला. ये पता नहीं नेटवर्क का क्या इशू है. मैं क्या बोल रहा था आपको कि जब आपने वो सॉल्यूशन में सी वहां पे थोड़ा सा सोल्यूट था और आपने उसके अंदर वाटर ऐड किया और वो पूरा मिक्स हो गया. अब अगर आपने एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया और आप अगर वो वाटर को निकालते हो उसमें से, तो क्या उसके अंदर से सॉल्यूट भी नहीं निकलेगा? इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो गया. क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो गया. अब जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया था वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मुझे फिर दोबारा मिलेगा नहीं. लेकिन कैसा था, लकीली जो लैब था अपने कॉलेज का ही लैब था, तो जो लैब असिस्टेंट होते हैं ना, तो उसके साथ अपना थोड़ा सा पहचान होता है. और उसने मुझे जैसे एग्जाम में वहां से हटा, उसने मुझे चुपके से आके बता दिया सेटिंग था. हाँ, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा. सेटिंग लगा के कुछ किया सर? पैसा देना पड़ता है सेटिंग के लिए? लेकिन एग्जाम में सब गड़बड़ हो गई. चलो यहाँ देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस. व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन? आपको पता है सर, आपका लैपटॉप ही गया. स्क्रीन ही गया, खाली आपका चेहरा दिख रहा है. कनेक्शन लॉस हो गया. रुको मैं देखता हूँ. यहाँ पे जो है ना, परेशान हो चुका हूँ इस लैपटॉप से. चलो देखते हैं. जब आप बात करते हो एरर का, तो एरर मशीन मैकेनिकल एरर हो सकता है मशीन से. देखो आ गया ना. यस. नहीं नहीं आया सर. नहीं आया. नहीं आया. कितना तोड़ फोड़ करना पड़ता है. आया नहीं. नहीं आया. नहीं आया. ओके, आई एम शेयरिंग द पेज नाउ. यस. ठीक. मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस. द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ऑफ अ ग्रेट कंसर्न इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. ऑब्वियसली एनालिटिकल केमिस्ट्री जहां पे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस. हेलो See, in analytical chemistry, you do quantitative analysis. That means related to number. Which problem hai? Hello. No, sir. Voice is coming. No, sir. Okay. Barabar hai. No, sir. Barabar hai. Okay. So, यहाँ पे अब ये error जो होता है, ये error के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है. So, we'll move to scientific notation. ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है. जैसे यहाँ पे अ केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज. ये क्या है नंबर्स? कितना है देखो, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है वो यहाँ लिख के दिया. डोंट इवन ट्राई टू रीड इट. ओके, ये कितना है आप कंसिडर मत करो. मत करो. ठीक है. मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, उसका मास दिया यहाँ पे. डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, टू अवॉइड द राइटिंग ऑफ सो मेनी जीरो वी यूज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. और ये आपको बेहतर पता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या होता है. यहाँ पे जितने भी जीरो डेसिमल पॉइंट्स है उसको आप इंटू 10^2 करके लिख दोगे. लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है आपको, आप ये फर्स्ट वाली वैल्यू देखो. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं. 22 into 10 10 raised to 6 0 2. ओके, 0 0 0 0. मैं वो वाली नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ. ओके, जो भी रहेगा ये हम इसको लिख सकते हैं 6.02. बस इतना ही लिखेंगे. 2 2 10 raised to. कितना? अब ये डेसिमल पॉइंट कितना आगे इधर आया, लेफ्ट में गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो यहाँ पे 10^13 लिखेंगे. 13 13. उधर 23 बार हुआ है ना. अरे तो वो आपका एक्चुअल डाटा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो. आप पूछ रहा था इसे.
यहाँ पे जो है ये तो यहाँ पे कितना है ये आप काउंट करके लिखोगे आप मालूम पड़ जाएगा 3 + 3 = 6 9 12 15 18 18 21 20 जो भी है 23 तक है लेकिन अपन सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना 0.00000000 हाउ मेनी जीरो वी डोंट नो बट वी विल राइट 16। सो अब मुझे ये करना है अब मैं ये डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ सी माइनस वेस्ट आएगा 10। हाँ डेसिमल अगर राइट शिफ्ट जा रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा सो ये हो जाएगा 1.6 इनटू कितना कितना शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 माइनस 11 तो हाँ तो जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो प्लस पॉजिटिव और राइट में शिफ्ट होता है तो नेगेटिव 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 माइनस बस समझने के लिए सिर्फ इतना ही है इसमें आगे yes. देखते हैं कुछ यहाँ पे दिया है द नंबर्स 123.546 बिकम्स 1.2 हाँ ठीक है इसमें डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो कितना प्लेस 2 प्लेस सो 10^2 नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट वी हैव मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस एंड सेम इन एक्सपेंड ओवर 10 ओके टेक्स्ट बुक में वही लिखा जो हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे 0.00015 में आपने 4 प्लेस राइट में शिफ्ट किया है इसलिए 10^-4। अब आते हैं काम की बात पे ये जो 2.1 आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड किया देखो फॉर एडिंग 5.55 × 10^4 एंड 6.95 × 10^3 सर हाँ देखो इधर सर हाँ बोलो सर ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे क्या हाँ क्या प्रॉब्लम 5.55 × 10^4 प्लस दूसरा वैल्यू क्या है 6.95 डोंट से 95 95 अब आप इसको ऐड करने वाले हो सो यू कैन नॉट ऐड कब तक जब तक ये एक्सपोनेंट सेम नहीं होते तब इक्वल कर इक्वल करना है तो ऑब्वियसली या तो 4 को 3 करो या तो 3 को 4 करो हम 3 को 4 करते हैं चलो 5.55 × 10^4 प्लस मुझे यहाँ पे एक पावर इंक्रीज करना है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा या राइट में जाऊंगा लेफ्ट में तो 0.695 × 10^4 नाउ टेक इट एज कॉमन सो 5.55 0.6 × 10^4 ये अपना आंसर हो गया ठीक है अभी वो टेक्स्ट बुक में क्या किया देखो तो समझ में आ जाएगा यस मतलब एक्चुअली जो एक्सपोनेंट है ना जो ग्रेटर वैल्यू रहता है उसमें कन्वर्ट करने का मोस्टली माइनस टू और माइनस थ्री ग्रेटर कौन सा वैल्यू है माइनस टू अगर हमें -3 को -2 करना है तो दैट मीन्स हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं वैल्यू को तो हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना था बस ये याद रखना वैल्यू हाँ इंडेक्स की वैल्यू यानी 10^2 जो इंडेक्स है एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू इफ यू वांट टू इंक्रीज तो शिफ्ट करो लेफ्ट में और अगर उसको करना है डिक्रीज तो शिफ्ट करो राइट में याद रहेगा ये पूरा पैटर्न ओके Here the decimal has to be moved. Okay, वो उसका explanation है. Multiplication में ऐसा problem नहीं रहता है. Multiplication में कोई exponent को same नहीं करना रहता है. Direct multiply होगा number to number and power to power. और multiplication में index को क्या करते हैं आपको मालूम है? Plus. Plus. और वही division में रहेगा तो उसको minus. Minus. Minus.
सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका. ओके, नाउ कम्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट. अब ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या करते हैं वो आपको देखना है. सी, यही है इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, एम ऑफ एनी मेजरमेंट इज टू गेट द एक्चुअल वैल्यू कॉल्ड ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी. एक्सेप्टेड वैल्यू मतलब जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतना आना चाहिए. अब ये वर्ड क्या लिखा, देखो, नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. सो एक्यूरेसी वर्ड का मतलब यहां पे क्या हुआ, ध्यान देना कि अगर आपको वैल्यू लाना है 10 पॉइंट छोड़ दो, आपको ग्रेविटी की वैल्यू लानी है 9.8. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, बट दैट वैल्यू इज द एक्सेप्टेड वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, बिकॉज ऑन अर्थ इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू एज 9.8. यू विल गेट 9.7 टू समथिंग और यू विल गेट 9.8 टू समथिंग. यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स. आपका टेंथ का याद आया आपको, इक्वेटर पे अलग वैल्यू, पोल पे अलग वैल्यू. Yes. तो वेन यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, तो वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आपको जो वैल्यू मिलता है दैट वैल्यू इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, बट आप अपने एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब हो, कितना एकदम आप नियर हो, वो कहलाता है आपका एक्यूरेसी. इज इट ओके? एक्यूरेसी मतलब सर, हाँ बोलो सर, एक बार फिर से बताइए. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी. ओके, सी अब क्या हो रहा है ना कि यहां पे आप हो और आपके हाथ में है डिस्क, आपको ये डिस्क थ्रो करना है और ये है मार्किंग, कि ये स्टैंडर्ड मार्किंग है कि एक्सपर्ट ने यहां पे थ्रो किया था उसको. ठीक है, अगर आपने आपने थ्रो किया यहां तक और आपका कोई कॉम्पिटिटर है उसने थ्रो किया यहां तक, कौन ज्यादा एक्यूरेट है? वो उसके पर्सन कॉम्पिटिटर और कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर एक्यूरेट नहीं है बेटा. क्यों? क्योंकि यहां से यहां का गैप देखो आप, और यहां से यहां का गैप देखो. दरवाजा खोल देना सर को, हवा है. एसी चालू है? एसी चालू नहीं था. आपने बंद किया कि नहीं? हाँ, मैंने आपके लिए रहने दिया. अरे दरवाजा तो खोल दे, हवा है. खोल देखो. मैंने उनको बोला बंद नहीं करना. ओके ओके कम. हाँ भाई, सी यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एक्यूरेसी. आपको एक्यूरेसी समझा रहा हूँ, अबिलिटी नहीं समझा रहा हूं मैं. अगर आप अबिलिटी की बात करते हो तो थ्रोइंग कैपेसिटी, हाँ थ्रोइंग कैपेसिटी पर्सन बी का ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी पर्सन ए का ज्यादा है. क्यों? क्योंकि जितना एक्सेप्टेड वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू है उसके ज्यादा करीब कौन है वो देखने का. तो पर्सन ए ज्यादा करीब है, इसलिए पर्सन ए इज एक्यूरेट और पर्सन बी एक्यूरेट नहीं है. नहीं है. क्या आप ये समझा? यस सर. ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, आपको मिलता है 9.78 और मेरे को मिलता है 9.83. चलो बताओ दोनों में कौन ज्यादा एक्यूरेट है, आप एक्यूरेट हो या मैं एक्यूरेट हूँ? 7.8. आप एक्यूरेट हो बिकॉज आपका आपका जो डिफरेंस है वो 0.02 का है और मेरा डिफरेंस 0.03 का है. समझ गए ना? 0.0. नाउ लेट मी कंप्लीट एवरीथिंग. 0.02 मिसलिंग नहीं करने का. 0.02 और 0.03
में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात एक्यूरेसी की आएगी, सो यू आर मोर एक्यूरेट देन मी बिकॉज योर वैल्यू इज वेरी मच नियर टू द एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू. ओके बस हो गया, एक ने बोला यस, बाकी सबका यस, सबको बोलने की जरूरत अभी. अब दूसरा कोई ओके मत बोलना. लार्जर द एक्यूरेसी स्मॉलर द एरर, ध्यान देना ये वाला याद रखना. लार्जर द एक्यूरेसी, जितना एक्यूरेसी ज्यादा होगा एरर उतना ही कम होगा. एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट. ये लीस्ट काउंट फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने? No. आपके पास बस आपके पास एक स्केल होता है, वो स्केल जो है उसमें जो वैल्यू है सेंटीमीटर में आप मेजर करते हो. सेंटीमीटर में आप मेजर करते हो, लेकिन वो सेंटीमीटर से भी छोटा एक यूनिट उसमें रहता है, दैट इज मिलीमीटर. मिलीमीटर मिलीमीटर दैट मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट. यस ओके यस यस समझा. हाँ वो इंस्ट्रूमेंट से, वो इंस्ट्रूमेंट से देखो डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं अभी. जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है वो इंस्ट्रूमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आप कौन सा मेजर कर सकते हो? मिलीमीटर. मिलीमीटर तो उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट. अब आप देखोगे, हाँ अब आप देखोगे वर्नियर कैलिपर्स जो होगा वो आपने अभी देखा नहीं होगा, लेकिन उसमें मिलीमीटर का भी टेंथ पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज अगर मान लो जैसे कि एक थ्रेड है, थ्रेड मतलब एक बहुत ही थिन सा थ्रेड है, और उसको आप उसका थिकनेस आपको धागा नहीं धागा जिससे बनता है, धागा खोल सकते हैं ना अपन, वो जिससे बनता है वो थ्रेड जो है एकदम पतला, वो थ्रेड को आपको मेजर करने का उसका थिकनेस कितना है, ऑब्वियसली वो मिलीमीटर से तो कम ही रहेगा. यस तो उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आएगा उसमें और भी लीस्ट काउंट होगा, वो छोटा रहेगा मिलीमीटर. सर गोल्ड का भी एकदम छोटा एकदम पतला वायर बनाया है तो उसका भी लीस्ट काउंट होता है ना? हाँ सबका होता है. यहाँ पे देखो ब्यूरेट, अब एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं. अब ब्यूरेट रीडिंग ऑफ 10.2 ml. अब ये 10.2 फॉर ऑल द थ्री सिचुएशन जो आपने देखा था उसमें ये 10.2 ml रहेगा. It means that there is an uncertainty about the digit appearing after the decimal point in the reading 10.2 ml. This is because the least count of the burette is 0.1 ml. ये least count है, 0.1 ml जो है वो least count है, ये सबसे छोटा unit है. The meaning of the reading 10.2 is true value of the reading lies between 10.1 and 10.3. 10.2 आया है ना, तो 10.1 से 10.3 के बीच का वैल्यू सब लिस्ट काउंट है. सुनो ये लेक्चर अभी आपका ओवर हो चुका है, बट नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं अभी एक रूल यहाँ पे प्रोसाइज कर रहा हूँ, और वो दैट रूल हैज टू बी फॉलोड. ओके यस यस. किसी का भी माइक ऑन नहीं रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग That means I am reading, I am not asking. When I ask something, then any one of you will on the mic and he or she will tell. Agar aapko koi doubt hai, you will on your mic and you will ask.